नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, बीते तीन दिनों चार दिनों से मीरा भाईंदर वसेवरा आयुक्तालय अंतर्गत मीरा रोड के नया नगर में जो कुछ मामला हुआ, जो कुछ हालात हुए, उस हालात पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए हो और उस मामले में लगातार कार्रवाई पुलिस की जारी है। इसी मामले को लेकर मीरा भाईंदर वसेवरा आयुक्तालय के ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर श्रीकांत पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए पूरी जानकारी दी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर श्रीकांत पाठक ने बताया कि सीआरपीसी के तहत 8 और आईटी एक्ट के तहत 2, ऐसे कुल 10 एफआईआर अब तक रजिस्टर हो चुकी है और साथ ही साथ 19 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। तो क्या कुछ कहा ज्वाइंट सीपी ने, वो आगे वीडियो में सुनिए। और खासकर पुलिस इस समय लगातार आह्वान कर रही है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दे, कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो आए आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करे, किसी भी तरह का वीडियो आए उसको, वीडियो या फोटो कोई सामग्री आती है सोशल मीडिया पर तो उसको फॉरवर्ड नहीं करे। अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो आप भी जिम्मेदार माने जाएंगे, आपके खिलाफ भी आईटी के तहत कार्यवाही हो सकती है। तो पुलिस लगातार इस तरह के आह्वान कर रही है। कई फेक वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, तो उनको भी पुलिस द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि ऐसे वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। सुनिए क्या कुछ कहना है मीरा भाईंदर वसेवरा आयुक्तालय के ज्वाइंट सीपी डॉक्टर श्रीकांत पाठक का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। 21 तारीख को रात को जो घटना घटी है दो गुटों के बीच मुठभेड़ की, उसमें उस समय से लेके अभी तक टोटल 8 ऑफेंसेस कल तक रजिस्टर है हमारे पास और 2 आईटी एक्ट के तहत 2 ऑफेंस रजिस्टर है। इसमें अभी तक हमने करीबन 19 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। बाकी लोगों की पूछताछ अभी तक चल रही है, हम सीसीटीवी और बाकी फुटेजेस देख के उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम शुरू है। तो जो पहली घटना हुई थी उसमें अभी तक 14 लोग अरेस्ट हुए हैं और कुछ लोगों का अभी नाम सीसीटीवी देख के निष्पन्न करके उनको अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू है। अभी तक 6 एफआईआर उसमें दर्ज है और उसमें भी अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है अभी तक 5 या 6 लोग अभी तक अरेस्ट है और बाकी लोग आइडेंटिफाई करने का काम शुरू है। आपको सबको पता है कि पिछले 3 दिन में हमारा पूरा पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफ़ी व्यस्त रहा है, उसके कारण सीसीटीवी देख के आरोपी आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने का काम थोड़ा सा जितने तेज़ी से होना चाहिए उतने तेज़ी से हुआ नहीं है, लेकिन हम जैसे ही थोड़ा पीस स्थापित होगा हम सब आरोपी आइडेंटिफाई करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है, लेकिन जहाँ जहाँ इंसिडेंस हुए वहाँ के कैमरेज हम चेक कर रहे हैं कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। 100 से ज्यादा हो सकते हैं। सर, इस पूरे घटना क्रम को देखिए, क्या अभी तक इस तरह की कुछ एंगल की जांच कर दी है, एक तरह से साजिश थी या कोई पहले से प्री प्लान था, क्योंकि 22 तारीख को बड़ा कार्यक्रम था देश में, उसके पहले प्लानिंग की थी कि किस तरह से अगर कोई आता है तो उस पर अटैक किया जाएगा ताकि कोई हमारी नाकिंग ना आए, इस तरह का क्या साजिश इसके? अभी तक तो उस बारे में ऐसा कुछ कह नहीं सकते है, ऐसा कुछ है, लेकिन जब पूरा इनको इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या उसमें घटनाक्रम में क्या क्या उसका ये था बैकग्राउंड था। 22 तारीख को जो दूसरा इंसिडेंट जो हुआ स्टोन बेल्टिंग का बैक रोड, उसको लेके क्या ये भी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा कि जो इतनी मात्रा में जो पत्थर है वो एक साथ लोगों के पास आना जमा करने का, वो कहीं ना कहीं एक्चुअली आप अगर वो एरिया का लोकेशन देखोगे रेलवे पटरी है वहाँ पे पत्थर ऑलरेडी पड़े रहते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ ये है, पत्थर पड़े रहते हैं। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतना सफिशिएंट टाइम है वो हमको मिला ही नहीं, कंटिन्यूस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरे बिजी रह गए हम, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली ये था। वो बंदूक के बारे में हमारे क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया है और वो फाइनली प्लास्टिक का खिलौना था
जो दिखा के रील वो बनाई गई है उसमें हमने इंक्वायरी किया है, किसी को पकड़ा है? हाँ, उसमें आइडेंटिफाई किया है। सर, एक एक मैसेज में आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जितने भी जो पिछले कई सालों के बाद जो है या फिर बहुत सालों में पहली बार गुजरात में इस तरीके की घटना हुई है हिंसा की, तो जो भी गुर्दंगी है, दंगाई है, इन लोगों को मीरागढ़ पुलिस की तरफ से, एमवीवीपी पुलिस की तरफ से कोई सख्त संदेश, कोई चेतावनी क्या रखना? बिल्कुल रहेगी। हमने पहले ही बताया कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो भी गलत काम में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हम कर रहे हैं। और मैं आपके सबके माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूं कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन, आरोपी पकड़ना, ये तो काम है और लंबा चलेगा, लेकिन इस वक्त शहर की शांति बनाए रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इतने सारे वीडियो, इतने सारे शूटिंग, इतने सारे वायरल होते हैं, उसके कारण जो लोगों को कुछ पता भी नहीं उनको भी उसके कारण इन्वेस्टिगेशन होता है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको कैसा कंट्रोल किया जाए, जितने हो सके जितने डिलीट कर सकते हैं उतने हमारे साइबर सेल से हम डिलीट भी करने का ट्राई कर रहे हैं। फिर भी व्हाट्सएप में जो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं उसको रोकना बड़ा ही कठिन काम है, लेकिन आपके माध्यम से मैं आप सब लोग को अपील करता हूँ कि आप सब लोग, आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट हमारी है कि ये ऐसी चीज़ें ना करें ताकि समाज में जो शांति का माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, वो बिगड़े नहीं। क्योंकि आपको पता है परसों हमारा रिपब्लिक डे भी है, 26 जनवरी का भी बंदोबस्त रहता है, बाकी भी कुछ आंदोलन राज्य में चल रहे हैं, ये सबके चलते। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे हमारी जो इंफॉर्मेशन है कि ये शहर में कभी इतना कम्युनल का कोई प्रॉब्लम बहुत सालों से कभी हुआ नहीं है, तो अभी हुआ है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो आप सब लोग का कॉपरेट करेंगे, सब जो शुद्ध नागरिक है वो कॉपरेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि पहले शांति बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और एक्यूज़र्स अरेस्ट करना और बाकी चीज़ें हम करेंगे। सर, क्योंकि सख्त कार्रवाई की जो बात है वो तो अभी जो केस हो चुका है उसके बाद में, लेकिन एक मैसेज, एक सवाल ये भी था कि फ्यूचर में कोई ऐसी हिम्मत ना रहे उसके लिए पुलिस का चेतावनी देना चाहिए, क्योंकि देखा ही गया कि लोगों में पुलिस का खौफ शायद नहीं था, शायद इस वजह से वो सड़कों पे आते तो उन्होंने खुलेआम इस तरीके से वादा पहुंचा, तो आगे ना हो इसके लिए क्या चेतावनी? हमारे पास हमने बाहर से भी फोर्स मांगा है, हमारे पास 6 प्लेटून एसआरपीएफ के है, आरएएफ के 3 प्लेटून हमारे पास है, और हमारे लोकल पुलिस और ऑफिसर असिस्टेंट भी हमारे पास है। हम नाकाबंदी, पेट्रोलिंग और जो भी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन हम डेफिनेटली करेंगे। और मैं ये आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इतना टाइम मिला नहीं है कि सब बातें चेक करने के लिए, अभी जो सीसीटीवी फुटेज देख के अरेस्ट करने का काम शुरू है, जब भी पता चलेगा, जब भी हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। आईटी एक्ट केसेस में एक केस में फेसबुक पे कुछ प्रोवोकेटिव एक वीडियो प्रसारित किया गया था, और एक केस में इंस्टाग्राम पे कुछ प्रोवोकेटिव बातें कही गई थी, वो दो केसेस आईटी एक्ट के तहत। हाँ, दोनों अरेस्ट। सर, आपने 26 जनवरी का जिक्र किया और शुक्रवार भी आ रहा है, जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, काफी भीड़ होती है, क्या प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किए जाएंगे इस तरह के जो मिस्चीवियस होते हैं उनके खिलाफ? हाँ, अब मैंने प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में पहले ही बताया कि जो भी प्रिवेंटिव एक्शन करना जरूरी है वो डेफिनेटली की जाएगी। सर, एनआईए ने कुछ समय पहले यहां पे कार्रवाई की, तो गिरफ्तार हुए क्या किसी का किया था और ऐसा कुछ कनेक्शन मुझे अभी तक तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, नजर आया। 8 एफआईआर क्राइम के है और 2 आईटी एक्ट के तहत। हमारे पास अभी ये इंफॉर्मेशन है, 8 एफआईआर है रेगुलर गुने की और 2 कल तक का। सर, जो बैक रोल है एक क्लियर हो जाता है और 2 आईटी एक्ट, मतलब टोटल 10 एफआईआर, अरेस्ट में 21 लोग दोनों तरफ के, 19 दोनों तरफ।
पहले वाले इंसिडेंट में 14 पहले हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।